सो हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में रियलमी 11X 5G और पोको M6 Pro 5G की कंपैरिजन करने वाले हैं। तो चलिए तो बात करते हैं इन हैंड फील्ड की। तो थिकनेस की बात करते हैं सबसे पहले, तो 8.0 mm की थिकनेस के साथ रियलमी 11X आती है और 8.2 mm की थिकनेस के साथ पोको M6 Pro 5G आती है। वजन की बात करें तो रियलमी 11X 190 ग्राम के साथ आती है, वहीं पोको M6 Pro 199 ग्राम के साथ आती है। बिल्ड क्वालिटी की बात किया जाए तो बिल्ड क्वालिटी में प्लास्टिक बैग के साथ आपको रियलमी 11X देखने को मिलता है, वहीं ग्लास बैग देखने को मिलता है पोको M6 में। रियलमी 11X में हमको IP रेटिंग नहीं मिलती है, वहीं पोको में हमको IP53 की रेटिंग देखने को मिलती है। डिस्प्ले की बात किया जाए तो रियलमी 11X में हमको 6.72 इंच की एक HD डिस्प्ले मिलती है, वहीं 6.79 इंच की डिस्प्ले उसमें मिलती है पोको M6 में। IPS डिस्प्ले टाइप है दोनों का, तो ये दोनों का सेम है। और बात किया जाए इसके फुल HD रेजोल्यूशन दोनों मोबाइल में हमको देखने को मिलते हैं 1080x2400 का। तो और बात किया जाए डिस्प्ले में, इसके 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ रियलमी 11X आता है, वहीं 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ पोको M6 Pro आते हैं। 240 हर्ट्ज़ तक सैम्पलिंग रेट दोनों मोबाइल में हमको देखने को मिलता है। और बात करें इसमें ब्राइटनेस की, तो 680 निट्स की पीक ब्राइटनेस हमको रियलमी 11X में देखने को मिलती है, वहीं 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस हमको देखने को मिलती है पोको एम में। गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन पोको में देखने को मिलता है, रियलमी 11X में प्रोटेक्शन नहीं दिखता है। दोनों फ़ोन में हमको HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। सो फ्रेंड्स, अगर अब UI और OS की बात किया जाए तो दोनों मोबाइल जो है एंड्रॉयड 13 पे आती हैं। रियलमी UI 4.0 और MIUI 14 पे देखने को मिलता है पोको वाला। OS अपडेट्स की बात किया जाए तो 2 साल की दोनों में अपडेट्स मिलने वाली है और 3 साल की सिक्योरिटी पैचेज मिलने वाली हैं। चलिए अब इनके परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे चिपसेट देखते हैं, सबसे पहले MediaTek Dimensity 6100 प्लस के साथ हमको रियलमी 11X देखने को मिलती है, वहीं Snapdragon 4 Gen 2 का प्रोसेसर जो हमको पोको M6 Pro में देखने को मिलता है। और 6nm पे प्रोसेसर जो है रियलमी 11 का वर्क करने वाला, वहीं 4nm पे बेस्ड है पोको M6 Pro। और बात किया जाए ऑक्टा कोर हमको CPU देखने को मिलता है दोनों मोबाइल में। GPU की बात किया जाए तो माली G57 का GPU हमको रियलमी 11X में, एंड्रोनो 613 का GPU हमको देखने को मिलता है पोको में। और वहीं बात किया जाए अंतुतु स्कोर को, 341,000 अंतुतु स्कोर हमको देखने को मिलता है रियलमी 11X में, वहीं 441,000 हमको अंतुतु स्कोर देखने को मिलता है पोको M6 5G में। फ्रेंड्स, रैम एंड स्टोरेज की बात किया जाए तो 6/128 के वेरिएंट और 8/128 के वेरिएंट में हमको रियलमी 11X देखने को मिलता है। 4/64/6/128 के वेरिएंट में पोको M6 Pro देखने को मिलता है। स्टोरेज टाइप की बात किया जाए तो UFS 2.2 LPDDR4X 4X रैम का सपोर्ट दोनों में देखने को मिलता है। डेडिकेटेड कार्ड टाइप हमको दोनों मोबाइल में देखने को मिलता है, जिसमें एक्सपेंड कर सकते हैं अपना मोबाइल। तो मेन कैमरे की बात किया जाए तो यहाँ पे रियलमी 11X में हमको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने को मिलता है, वहीं पोको M6 Pro में हमको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने को मिलता है। तो कैमरे के मामले में हमको रियलमी 11X विनर दिखता है। अब बात किया जाए जो मेन कैमरा रिकॉर्डिंग करता है 30 FPS पे दोनों मोबाइल रिकॉर्डिंग करेगा वीडियो। मेन कैमरे की बात किया जाए तो OIS का सपोर्ट दोनों मोबाइल में को देखने को नहीं मिलता है। अब बात करें फ्रंट कैमरे की तो फ्रंट कैमरा दोनों मोबाइल में हमको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। और बात करें जो कि 30 FPS पे इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों मोबाइल करने वाली हैं। बात करें इनके बैटरी बैकअप की तो दोनों मोबाइल में हमको जो है 5000mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। रियलमी 11X में हमको 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, वहीं जो है पोको M6 में हमको 18W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। और बात करें कनेक्टिविटी की तो कनेक्टिविटी में हमको 5G बैंड्स दोनों मोबाइल में देखने को मिलते हैं, तो 13 5G बैंड्स हमको रियलमी 11X में और 7 5G बैंड हमको पोको में देखने को मिलते हैं। Wi-Fi 5 का सपोर्ट मिलता है हमको दोनों मोबाइल हमको NFC का फीचर देखने को नहीं मिलता है, जो कि एक बैड न्यूज़ है सभी के लिए। तो अब चलते हैं साउंड की तरफ, बढ़ते हैं तो यहाँ पे 3.5mm जैक दोनों मोबाइल में हमको देखने को मिलता है। और बात करें इसमें जो स्पीकर की तो यहाँ पे सिंगल स्पीकर का सपोर्ट दोनों मोबाइल में हमको देखने को मिलता है, डुअल स्पीकर होना चाहिए था तो अच्छा होता। अनलॉक ऑप्शन की बात किया जाए दोनों मोबाइल में हमको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सपोर्ट देखने को मिलता है और फेस अनलॉक का फीचर देखने को मिलता है।
और इसमें बात किया जाए प्राइसिंग की, तो अब प्राइसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है यहाँ पे। 13,000 बेस वेरिएंट इसकी होने वाली है रियलमी 11X की, वहीं 11,000 बेस वेरिएंट प्राइस होने वाली है पोको M6 Pro की। तो विनर की बात किया जाए तो यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कौन कौन सा विनर है, आपको यहाँ पे किस में किस चीज़ में कौन सा विनर है आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका क्या राय है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।